क्या आपका लंच जस्ट बोरिंग है? तो चलिए अनबॉक्स करते हैं एक नया लंच बॉक्स। चलिए इसको हम आराम से अच्छी तरीके से काट लेंगे ताकि अंदर कुछ टूटे फूटे ना। काफी एक्साइटेड हूँ मैं इस लंच बॉक्स को अनबॉक्स करने के लिए क्योंकि मैंने बहुत ही स्पेशल कलर मंगाया है। गेस कीजिए। अच्छा मैं एक हिंट दे दूं, ये कलर BTS का है। तो इस लंच बॉक्स का नाम है पोकी टोकी लंच बॉक्स। स्टेनलेस स्टील है ये और ब्राइट एंड ब्यूटीफुल तो है ही। पोकी को देख के मुझे वो फेसबुक वाला पोक याद आ गया। पोक करने से क्या होता था मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आया। अच्छा मैं एक बात तो बताना ही भूल गई, इस पोकी टोकी लंच बॉक्स और भी वेरिएंट्स हैं। एक ब्लू कलर में आता है और एक येलो कलर में। लंच बॉक्स बहुत क्यूट लग रहा है। और क्या कलर कॉम्बिनेशन है इसका। ऊपर का हैंडल बेबी पिंक कलर का है, फर्स्ट पार्ट इसका पर्पल कलर का है और नीचे का पार्ट व्हाइट कलर का है। एक बार फिर से हम अपना कटिंग अस्त्र ले लेंगे और हम इसके ऊपर वाली लेयर निकाल देंगे। इतना एयर टाइट कर रखा था इसकी ऊपर वाली लेयर को, काफी मेहनत करनी पड़ी इसको निकालने के लिए। ये लंच बॉक्स किस किस को पसंद आया है जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, शायद आप में से कोई लकी हो जाए। इसके ऊपर वाला जो हैंडल है वो सिलिकॉन है। काफी आराम से पकड़ के इसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। इस लंच बॉक्स के दोनों लेयर्स में रेक्टेंगुलर हुप्स हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। ऊपर वाले ढक्कन में मुझे ये स्पून्स दिख रहे थे लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से निकालूं, फिर मुझे रास्ता मिल ही गया। स्पून और फॉक दोनों हैं और इसके लिए एक अलग से जगह भी है, तो इसको बार बार आपको निकाल के इधर उधर नहीं डालना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ जो कि पर्पल कलर का है। इसमें ये स्टील है अंदर जो कि आप निकाल के साफ कर सकते हो, आपको ये डब्बा बार बार साफ नहीं करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ जो कि है व्हाइट कलर का। इसमें भी ये है। अच्छा फर्स्ट पोर्शन में दो पोर्शन है और इसमें सिंगल पोर्शन। दोनों पोर्शन काफी स्पेशियस हैं और इनकी कैपेसिटी है 1200 ml। टोटल इसमें 3 कंपार्टमेंट है जो कि बड़े बड़े हैं और एक छोटा भी कंपार्टमेंट है जिसमें हम कटलरी रखते हैं। ऑल इन ऑल आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, लेकिन मुझे बस थोड़ी सी एक कमी खल रही है कि एटलीस्ट एक कंपार्टमेंट के लिए इनको एक लिड देनी चाहिए अलग से, क्योंकि हम इंडियंस काफी ग्रेवी वाली चीजें या फिर दाल ये सब खाते हैं। तो अगर हमारे पास एक कंपार्टमेंट होता जो फुल्ली क्लोज्ड हो सकता था एयर टाइट तो क्या ही बात होती। अगर मुझे इसे रेटिंग देनी होती 10 में से तो मैं देती 7 दिन में। अब 3-4 दिन तो इसे ले ही जा सकते हो अपने स्कूल कॉलेजेस और ऑफिस जब आपको ग्रेवी नहीं खानी हो तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन दबाते जाना।